नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन को लेकर के दोस्तों, और दिन ब दिन बिटकॉइन जो है हर जगह रिकॉग्नाइज्ड होता जा रहा है। लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे समझ में आ रही है। अभी 8 घंटे पहले की न्यूज़ है, दुबई ने डिसाइड किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वहाँ पे लाइसेंस देना अब चालू कर देगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वो न्यूज़ क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे चलता हूँ। गूगल क्रोम पे मैं टाइप करता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट वन, दुबई इशूज लाइसेंस टू क्रिप्टो करेंसी फर्म। तो आइए दोस्तों, इसको हम मैं टाइप करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। खुल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये न्यूज़ क्या है। मैं देखता हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ ये न्यूज़ क्या है। कुल मिला करके ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आइए दोस्तों बताता हूँ कि ये न्यूज़ है क्या। आखिर इसमें वहाँ की जो एक दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, जो वहाँ की DMCC करके गवर्नमेंट से गवर्नमेंट इंटाइटिटी एक संस्था है, 2002 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। वहाँ के इकोनॉमिक जोन को स्टडी करने के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए या उस पर बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या बोलते हैं। DMCC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कमोडिटीज संजीव दत्ता टोल्ड द पब्लिकेशन दैट द सेंटर इज बिगिनिंग टू फैसिलिटेट अ मार्केट इन क्रिप्टो करेंसीज विच ही एक्नॉलेज्ड ही अनरेगुलेटेड सिटिंग दैट फर्म लुकिंग टू सेट अप इन द जोन वुड बी कंसिडर्ड ऑन अ केस बाई केस बेसिस ही इलेबोरेटेड। टू मी वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट यू आर स्टिल एवेल्युएटिंग इट एज पार्ट ऑफ योर इनोवेशन स्ट्रेटजी। यू आर नॉट सेइंग समथिंग, यू आर नॉट सेइंग येस आइदर, बट एक्सप्लोरिंग। सो यू आर क्लियरली अहेड ऑफ द अदर्स वेन द टाइम टू मेक अ डिसीजन। DMCC view is that these cryptocurrency meet the test of a commodity. There are price based on supply and demand, produced and sold globally at a uniform quality, and are indistinguishable between products. मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे बिटकॉइन का प्राइस भी अप जाएगा, और जैसे जैसे डिमांड घटेगी वैसे वैसे इसका प्राइस डाउन जाएगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप हम अभी एस भी नहीं आप एस भी नहीं कह रहे हैं और अभी नो नो भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ करेंसी और ब्लॉकचेन के साथ आप एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे हम भी कुछ करें, और जब सही टाइम और सही राइट टाइम आए तो हम एक फर्म डिसीजन सभी लोग मिलकर बैठ करके ले सकें। कुल मिलाकर के यही कहने का मतलब है। इसके लिए उन्होंने ICO वहाँ पे, जो भी उसमें व्यापार करना चाहता है उसकी संस्था को, वो जो है DMCC जो है उनको लाइसेंस दे देगी कि हाँ अब आप जो है इसमें आगे इसके साथ एक्सप्लोर करते हुए आप इसको आगे आप बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी ये न्यूज़ समाप्त करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। और हाँ दोस्तों, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भी एसेटेड जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में न्यूज़ पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।